जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और SSC GD में, तो उनको अब क्या करना चाहिए और क्या ये जो आंदोलन हो रहा है या क्या ये जो मांग उठाई जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सफल होगा नहीं होगा या भर्ती पे रोक लगेगी तो किस आधार पे लगेगी। जो 54,411 सीटें लिए, 54,411 सीटें क्यों लिए, किसकी पोस्ट इतनी खाली रख दी। आपको पता हर कैटेगरी से पोस्टें खाली रही है। क्या 54,000 की जो शुरुआत में वैकेंसी आई थी क्या उतनी पोस्टें हैं, या 62,000 जो पोस्टें बता रहे थे वो सही है या बात गलत है। तो इस भर्ती पर काफ़ी इस प्रकार की, आपको पता शुरू से ये भर्ती काफ़ी उलझ रखी थी। ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए, आपके सारे डाउट इस प्रकार के क्लियर हो जाएंगे। किस आधार पर आप भर्ती पे रिट लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, केस कर सकते हो हाईकोर्ट में, वो सभी बात मैं इस पर बताऊंगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, क्या एडिशनल वालों की बनेगी सेकंड लिस्ट, या सेकंड लिस्ट पिछले 2017 की मेरिट आई थी उसमें भी जो सेकंड लिस्ट आई थी वो किन की आई थी, सेकंड लिस्ट आई थी ज़रूर, ये आप सभी को पता है, आपने वीडियो भी देखा होगा इसके बारे में कि सेकंड लिस्ट आई थी, बिल्कुल ज़रूर आई थी। तो क्या वो वेटिंग लिस्ट वालों की थी या जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की उनके बदले वो लिस्ट थी, तो इस पर हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, उसमें मैथ और रीजनिंग के नए नए वीडियो मैं डालता रहता हूँ। साथ ही आने वाली नई वैकेंसियों के बारे में, उनका क्राइटेरिया, उनकी तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपको अपडेट देता रहता हूं दोस्तों। तो अब बात करें कि सबसे पहले इस भर्ती में जो बता रहे हैं कि धांधली हुई या जो आंदोलन कर रहे हैं इनका क्या फ़ायदा होगा, क्या इसकी वजह से आपको पोस्ट मिल सकती है, क्या मेरिट डाउन आ सकती है, क्या आपका नंबर आ सकता है, पहला क्वेश्चन ही है दोस्तों। वैसे तो मैं किसी भी, कभी भी आज से पहले मैंने जितने वीडियो बनाए मैं किसी भी आंदोलन के पक्ष में नहीं रहा हूँ, आज भी नहीं, ना कभी रहा हूँ ना आज भी हूँ। आज भी मैं किसी भी मेरे छोटे भाई को ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि वो कहीं जाके एकत्रित होकर किसी प्रकार का आंदोलन करे। हाँ, आपकी मांग उठाने का आपको बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आंदोलन के रूप में आप अगर मांग उठाते हो तो मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट के आधार पर किसी भी भर्ती में मेरिट को क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरिट इतनी गई थी या इतने लोग पास थे, बिल्कुल इस प्रकार का आप क्लेम नहीं कर सकते कि 109,000 लोगों को मेडिकल पास कराया। जो लोग मांग उठा रहे हैं उनकी आपने शायद पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मतलब है, वो पहले बता रहे थे कि 85,000 मेडिकल फिट है, तब सालों जब इतनी झूठ आपको पता है, अभी 109,000 कहाँ से आ गए, किसने बोला आपको 85,000 फिट है, किसी ने नहीं बोला। इन लोगों की बातों में ना आए दोस्तों, ये लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे इनकी पॉपुलरिटी चाहिए, इनका ट्विटर चाहिए, इनके यूट्यूब चाहिए और इनको इंस्टाग्राम टेलीग्राम ये ग्रुप चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इनका फालतू की बातें कुछ नहीं हुआ, इससे पहले भी एक बार जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें एक बच्चे का नुकसान ही हुआ था, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना सीटें इंक्रीज हुई थी ना होगी, ये मैंने शुरुआत से बताई थी कि सीटें इंक्रीज नहीं होगी, ना ही हुई थी ना ही होगी, और अब भी कुछ ऐसा नहीं होगा क्योंकि नाजायज़ मांगे कभी नहीं मानी जाती। अगर आप बोलते हो कि भर्ती पर कि इस प्रकार का कि भर्ती में 109,000 को पास किया और लास्ट में मेरिट में इतने लिया, मेरिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर सभी को ले लेंगे तो फिर मेरिट क्या, फिर तो मेडिकल के टाइम वही मेरिट होगी, जो मेडिकल में फिट है वो मेरिट में आ गया, तो फिर मेरिट लाने का क्या मतलब होता है। मेरिट का मतलब होता है कि एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। अब आर्मी में जैसे अगर हाइट क्यों नापते हैं, फिर तो आर्मी में सभी को दोहरा देना, हाइट का एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि भाई यहाँ तक। अब आप बोलोगे हम तो आर्मी की भर्ती में मतलब 5,00,000 लोगों को क्यों बुलाया, सभी को क्यों बुलाया 18 से 25 वालों को, अरे आपको बुलाया क्योंकि आप गए, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली भाई आप इसके लिए जो एलिजिबल है वो आएंगे, उन्होंने जिस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाली थी कि 62,000 जो पोस्ट है इसके लिए जो एलिजिबल होंगे, जो बेस्ट 62,000 होंगे उनको हम लेंगे, तो आप उसमें फिट नहीं बैठे हो तो उसके लिए आप उनको दोषी क्यों बता रहे हो। अब बात आती है कि जो सीटें हैं आप किसके आधार पर केस कर सकते हो, किसके आधार पर कोर्ट पे रोक लगा सकते हो इस भर्ती पे, किस आधार पे मतलब आप भर्ती को क्लेम कर सकते हो SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, आप कि भाई ये आपकी गलती है, इस आधार पर हम बोल रहे हैं, हमारी ये मांग है कि इन सीटों को आप फिलअप करो, तो वो क्या है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को पता है कि 54,411 पोस्ट ही फिलअप की है, जबकि पोस्ट ऐसे बताई जा रही है कि 62,000 के समथिंग, यानी फिर भी 8,000 के समथिंग पोस्टें खाली रह गई है, तो वो क्यों रह गई है। उसमें से अगर आपने किसी ने अच्छे से अगर रिजल्ट को पढ़ा तो आप में से कुछ को समझ में आ जाएगा, या नहीं समझ में आया तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर आपने रिजल्ट पढ़ने में अच्छे से पढ़ा पूरा रिजल्ट को गौर से तो आपको समझ में आएगा। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि हर एक कैटेगरी से BR जैसे स्टेट से भी ST कैटेगरी की सीटें खाली रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जिस कैटेगरी की जो सीटें खाली रही है वो कभी फिलअप नहीं की जाती है, वो एडिशनल ऐड करके अगली वैकेंसी में दी जाती है। जैसे अगर मान लो OBC SC ST इनकी अगर सीटें खाली रहती हैं तो इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप अगली वैकेंसी में ही ये सीटें जाती है, आपको नहीं दी जाती। अगर आपको ये दी जाती तो वो खाली छोड़ते नहीं, आपको दे देते। लेकिन
अब जो खास जो बात है, जो इसकी नोटिफिकेशन में एक बात लिखी हुई थी उस पर आके हम बात रोकते हैं। उस पर लिखा हुआ था कि इस वैकेंसी में 10% सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। 10% अगर 62,000-60,000 भी अगर वैकेंसी है तो मतलब 59,600 के समथिंग वो कुछ सीटें थी, मतलब 6,000 के समथिंग वो कुछ सीटें थी, वो रिजर्व की गई थी एक्स सर्विसमैन के लिए, जबकि उनमें से 177 सीट ही फिलअप की गई है, मतलब 177 सीट ही फिलअप की गई है। बाकी जो 5809 सीट है, 177 या 172 इस समथिंग फिलअप की गई है, बाकी 5809 जो 9 सीट रही है, तो उसमें ऐसा लिखा गया था, आपकी जो नोटिफिकेशन देख रहे हो आप, इसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर ये सीटें एक्स सर्विसमैन से नहीं भरी जाती है तो ये सीटें जो एक्स सर्विसमैन के बिना जो कैंडिडेट है उनसे भी फिलअप की जाएगी। लेकिन हुआ क्या है कि उनसे ये सीटें फिलअप की गई नहीं है, इसी वजह से इस वैकेंसी में 54,411 पोस्ट भरी गई। उसके अलावा आप 1,000 के समथिंग ये पोस्ट पकड़ लीजिए जो अलग अलग कैटेगरी से रही है, 400-500 के समथिंग पोस्ट ये है और 5800 पोस्ट ये बाकी रही है। इसके अलावा केरल राज्य का आपको पता अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वहाँ की स्टेट की सीटें जितनी भी थी वो आ जाएगी, लेकिन जो मेन बात रही है दोस्तों वो यही रही है। तो इसके आधार पर आप बिल्कुल कोर्ट में इस भर्ती को ले जा सकते हो और कोर्ट में आप मतलब अपील कर सकते हो कि इन सीटों को फिलअप करें। अगर एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर उन सीटों को फिलअप करता है तो ज़रूर सेकंड लिस्ट आएगी और सेकंड लिस्ट में आपकी बात भी बन सकती है, क्योंकि 6,000 सीटें कम नहीं होती। 5809 पोस्ट का मतलब हो गया 6,000 सीटें कम नहीं होती दोस्तों। तो ये एक जरिया है, लेकिन फालतू के ड्रामेबाजी या फालतू का किसी भी चीज़ में उलझना ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसके बजाय आप ये काम कर लीजिए, बिल्कुल कोर्ट के जो कार्रवाई है कानूनी रूप से जो आप कार्रवाई कर सकते हो वो ज़रूर कर लीजिए। अगर उनको ये ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फिल करती है तो इसका आपको फ़ायदा भी होगा और ये आपकी एक जायज़ मांग भी होगी। तो ये होती है जायज़ मांग। अब जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसकी सेकेंड जो लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, तो क्या वो वेटिंग लिस्ट आई थी? नहीं, वो वेटिंग लिस्ट नहीं थी। मैं बता दूँ आपको, वो वेटिंग लिस्ट नहीं थी। जिस प्रकार से इस भर्ती में जिनका रिजल्ट रोका गया, पिछली भर्ती में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट रोका गया था, तो जिनका रिजल्ट रोका गया था एक महीने के बाद में उनकी लिस्ट आई थी, जिसको कुछ यूट्यूबर आपको ऐसे बता रहे हैं कि 2015 की वैकेंसी में 17 की वैकेंसी में भी वेटिंग लिस्ट आई थी, वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी दोस्तों। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हो तो कतई इसका इंतज़ार करना बंद कर दीजिए, आज आएगी नहीं आएगी। सेकेंड लिस्ट अगर आपकी ये बात मानी जाती है, ये मांग मानी जाती है कि एक्स सर्विसमैन की जो सीटें आपने खाली रखी है वो फिलअप की जाए इसी भर्ती से, तो एक आपकी जायज़ मांग भी है, इसका आपको कानूनी प्रूफ भी है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन, इसके आधार पर आप रिट लगा सकते हो कोर्ट में और आपके पास में कानूनन सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन आंदोलन करने से, हा हुआ करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ना कुछ हुआ है ना होगा। आपने पहले भी करके देख लिया है, अब फिर आप वही गलती दोबारा ना करें। उस पहले जो करके देखा था उससे भी एक बहुत बड़ी बच्चे को नुकसान हुआ था, आप सबको पता है, दो को हुआ था टोटल, लेकिन एक को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन आपको भी इसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें। जो करना है काम वो ये है जो मैंने बताया, ये काम अगर आप चाहो, आपकी इच्छा है तो कर सकते हो वकीलों की सहायता से कि भाई आप इस वैकेंसी पे इस प्रकार से रोक लगाइए कि इसके आधार पर रोक लगाए, तो एक बिल्कुल आपके पास कानूनी सहायता भी मिलेगी और कोर्ट आपके इसमें मदद भी करेगा। लेकिन आप फालतू के दंगाबाजी या कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करते हो, अगर बाई चांस, आपको पता है देश में अभी माहौल पूरा गर्माया हुआ है, बाई चांस अगर लाठीचार्ज ऐसा कुछ भी होता है, आप बोल रहे हो कि हम उपद्रव नहीं कर रहे हैं, उपद्रव किया नहीं जाता, भीड़ में अपने आप हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उपद्रव किसी भी आंदोलन में नहीं किया गया आज तक देश में, वो अपने आप ही हो जाता है। एक भीड़ इकट्ठी होती है, उसमें से एक दो लड़के गलत होने की वजह से ऑटोमेटिकली उपद्रव शुरू होता है, जिसका नुकसान आपको बहुत सालों तक फिर भी भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसी कोई गलती ना करें मेरे दोस्तों। अगर आप 0.4 से रहे हो, 0.1 से रहे हो, 0.11 से रहे हो, चाहे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, किसी से भी रहे हो, तो स्वीकार करो इस बात को कि हाँ भाई मैं रह गया, इस बात को स्वीकार करो, अगली वैकेंसी की तैयारी करो, इसमें उपद्रव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप ये काम कर सकते हो, ये कोर्ट में ये केस चलेगा और इसके जो भी डिसीजन आएगा, अगर मेरिट सेकंड लिस्ट देते हैं इसके आधार पर इनको सीटों को फिलअप करके, तो आपके लिए अच्छा है, नंबर आ जाएगा, तो वो तो आपके घर बैठे ही नंबर आ जाएगा, आपको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसके पक्ष में पहला भी नहीं था, अब भी नहीं था, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके कभी साथ नहीं देना है। वो पहले 85,000 मेडिकल फिट सभी को लो, अब क्या 1,09,000 फिट सभी को लो, 1,09,000 पहले तो बोल रहे थे 1,00,000 वैकेंसी, अब 9,000 और कहाँ से वैकेंसी निकालेंगे,
मतलब उनको कोई आंकड़ा नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस ऐसे तंबू लेके और खड़े हो गए, आप लोगों को बस गुमराह करने की बात चल रही है। तो इस प्रकार से ऐसी कोई भी गलती ना करें दोस्तों। जो मैंने बात थी इस वजह से ये सीटें खाली रही है, और जो स्टेट वाइड जो कैटेगरी की जैसे ओबीसी एससी एसटी की जो खाली रखी गई है वो फिलअप नहीं की जाएगी, वो अगली वैकेंसी में दी जाएगी, इस वैकेंसी में वो फिलअप नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, एक्स सर्विसमैन में, क्योंकि उन्होंने लिखा कि 10% सीटें एक्स सर्विसमैन की रखी गई है, अगर ये फिलअप नहीं होती है तो ये जो सर्विसमैन नहीं है उनसे भी फिलअप की जा सकती है, तो वो सीटें आपकी फ़िलअप की जा सकती है। अगर ऐसा हो तो सेकेंड लिस्ट आ सकती है और आपका नंबर भी आ सकता है। अब जो मेन बात रहती है कि जो विथ हेल्ड वालों जिनको रिजल्ट रोका गया है, केरल स्टेट का रिजल्ट रोका गया है, तो उनके आने के बाद क्या पता उनमें उनके लिस्ट के साथ में आपकी ये लिस्ट दे दे, तो वो भी एक हो सकता है। लेकिन फिर भी आप ये कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन धरनों वरनों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। आप रह गए हो तो ये मान लीजिए कि हाँ मैं रह गया हूँ, और अगली वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम ओवर एज हो रहे हैं, हमको करने दो, तो आपको करने दो, करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन गलत मार्ग पर कभी नहीं जाना दोस्तों। आप स्टूडेंट हो, तैयारी करने वाले, एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले, गलत मार्ग पे कभी ना चलिए। चाहे आप मेरे भाई हो छोटे या कोई भी बहन हो, गलत रास्ते पे कभी नहीं चलना, ठीक है। इसीलिए जो काम मैंने बता दिया वो काम आसानी से हो सकता है, उसमें कहीं धरना वरना करने की ज़रूरत नहीं है, और धरना करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जय हिंद।